तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। जी हाँ, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन और लैपटॉप के बारे में अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट हम लेकर आए हैं आपके लिए। जी हाँ, कंफर्म खबर है, कब और कैसे मिलेगा बताएंगे इस वीडियो में। फ्री टैबलेट और लैपटॉप का क्या है पूरा अपडेट जानने के लिए बस आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, एबीपी न्यूज पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अभी अभी ये बड़ा अपडेट सामने आया है, यूपी फ्री टैबलेट योजना 2021 यूपी में फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने को लेकर आई है कंफर्म खबर। जानिए कब और कैसे मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिसंबर को लगभग 9 बजे का अपडेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, नई वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ समय पहले युवाओं को फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की थी। इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन भी मांगे गए थे। कुछ समय पहले आवेदन बंद होने के बाद अब फ्री लैपटॉप वितरण की बारी है। अब इसे लेकर कंफर्म खबर आ गई है। यूपी सरकार की दिसंबर के दूसरे सप्ताह से युवाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना बन गई है। इसके लिए डीजी शक्ति नाम के एक पोर्टल बनाया गया है जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। इसके बारे में पूरा अपडेट फिर आपको मिल जाएगा। एक सरकारी बयान के मुताबिक इसी पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए विभिन्न जानकारियां दी जाएंगी। इसके अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में समय समय पर छात्रों को उनके मोबाइल नंबर और मेल पर सूचना भी दी जाएगी। विपक्ष ने लगाया था आरोप कि फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं दिया जाएगा, फ्री लैपटॉप एक अफवाह है। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी द्वारा भाजपा पर छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध कराने के चुनावी वादे को ना पूरा करने के आरोपों के बीच सरकार यह कदम उठा रही है। आपको बता दें, सपा का कहना था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद लैपटॉप चलाने में असमर्थ हैं, इसलिए वह इसे बांटने में रुचि नहीं ले रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से यह स्कीम फ्री है, इसके लिए भी जल्द ही एक पोर्टल तैयार कर दिया जाएगा जो कि डीजी मिशन शक्ति के नाम से होगा। मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है जो कि एक रिकॉर्ड है। और 4700 करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नामी कंपनियों ने टेंडर किया है। आपको बता दें, टैबलेट के लिए विस्टल, आयरिस, सैमसंग विजन और एसर सिलिकॉन, स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग सिलिकॉन और सैमसंग यूनाइटेड ने टेंडर दाखिल किया है। तकनीकी जांच के बाद योग्य फर्मों के फाइनेंशियल टेंडर खोला जाएगा। बड़ी मात्रा में होगी आपूर्ति। जी हां, बयान के मुताबिक टेंडर में चयनित कंपनियों की पहली खेप में कम से कम 2.5 लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी। हालांकि स्मार्टफोन के लिए चयनित कंपनियों की पहली खेप में कम से कम 5 लाख स्मार्टफोन की सप्लाई करनी होगी। तो ये बड़ा अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के बारे में, जो अब आपको बांटने के लिए सरकार तैयार है। कंफर्म खबर आ चुकी है, कब और कैसे बटेगा मैंने आपको ये बता दिया है। लेकिन अब इसके लिए जो सबसे बड़ा अपडेट है कि डीजी शक्ति नाम का एक पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर आपको पूरा अपडेट मिलेगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सरकार अब फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के आवेदन के बाद उसके वितरण के बाद फ्री लैपटॉप के वितरण की योजना बना रही है। कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सुझाव निश्चित रूप से दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हर प्रकार का अपडेट आपको मिलता रहे।